तुम अल्लाह का नाम लेकर और दिल में फकीर बादशाह से मिलने की तड़प लेकर जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ी रास्ते पर, किसी भी रास्ते पर निकल जाओ, रवाना हो जाओ, आखिर में तुम फकीर बादशाह तक पहुंच जाओगे। ठीक है, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। मैं अभी जा रहा हूं तैयबा, मैं अभी जा रहा हूं। अल्लाह तुम्हें अपने मकसद में कामयाब करे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इस चटाई पर बैठकर अल्लाह का नाम लो और आंखें बंद कर लो, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि शहजादी तैयबा की जिंदगी का वो तीसरा मोती कहां है। या अल्लाह मदद कर, या अल्लाह कर मदद, या अल्लाह कर मदद। तीसरा मोती मलिका हमीरा के दिल में छुपा हुआ है। साकेत, साकेत, साकेत। सियाह पैदा कर। बचाइए अम्मे हुजूर, बचाइए अम्मे हुजूर, अम्मे हुजूर, अम्मे हुजूर, अम्मे हुजूर। डर, तड़प और तड़प। जब तू तड़पती है तो मेरे दिल को बड़ा आराम मिलता है मेरी सौतन, और तालिब की मुसीबत देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। किसी की मुसीबत देखकर खुश होना कमीनों का काम है, खुदगर्ज मतलबी जलीलों का काम है। खामोश, चुप रहे बदतमीज। मतलबी और खुदगर्ज तो तू है। मोहब्बत का ढोंग रचाकर तालिब को बेवकूफ बना रही है, अपनी खुदगर्जी छुपा रही है। तू बड़ी खुदगर्ज औरत है, मतलबी महबूबा है, बेरहम है तू। तुझे तालिब पर रहम नहीं आता। अरे खुदगर्ज, मोहब्बत तो कुर्बानी का नाम है। अरे सालिम, बेरहम, क्या तू कुर्बानी का मतलब जानती भी है? हाँ, अगर मैं तेरी जगह होती तो कब की ये कुर्बानी कर डालती। अपने महबूब को मुसीबतों में नहीं डालती, बल्कि अपने हाथों से अपने महबूब को उसे पेश कर देती जो उसे चाहती है और जिसकी वजह से ये सब तबाही हुई है। लेकिन तू तू बड़ी कंजूस है, छोटे दिल की औरत है, सिर्फ अपना मतलब, अपनी दुनिया देखती है। लानत है तुझ पर, दुनिया में कोई ऐसी बेशर्म औरत, बेगैरत महबूबा नहीं होगी जो अपने शौहर या महबूब को खुद पराई गैर औरत के हवाले कर दे। मैं पराई औरत नहीं हूँ, मैंने तालिब को चाहा है। लेकिन तालिब ने तो तुझे नहीं चाहा। उसके ना चाहने से क्या होता है,
इसीलिए जो चीज मुझे मांगे से नहीं मिलती उसे मैं छीन लिया करती हूँ। छीनने वाले डाकू तो हो सकते हैं, मोहब्बत करने वाले नहीं। खामोश, बदतमीज, बदजबान, मौत की कैदी, मोहब्बत की दीवानी। हाँ, तालिब नाकाम होगा, ठोकरे खाएगा, लेकिन उसे तीसरे मोती का पता नहीं मिलेगा। हाँ, अब सिर्फ दो दिन रह गए हैं, ये दो दिन यू ही गुजर जाएंगे और फिर तू छोटी होती चली जाएगी, फिर तुझे चींटियां खा जाएंगी, नहीं। फिर तुझे कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, फिर तुझे मकड़ी खा जाएगी। नहीं, ऐसा ना कर जालिम हमीरा, ऐसा ना कर। ऐसा ही होगा, मेरे प्यार की दुश्मन, ऐसा ही होगा। ऐसा ना कर, ऐसा ना कर। नहीं, ऐसा ही होगा मेरे प्यार की दुश्मन, नहीं। ऐसा ही होगा, नहीं। ऐसा ही होगा। तू छोटी होती चली जाएगी, फिर तुझे चींटियां खा जाएंगी, फिर तुझे कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, फिर तुझे मकड़ी खा जाएगी। नहीं, नहीं। अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, अम्मी हुजूर, अब्बा हुजूर, मुझे बचाओ। अब्बा हुजूर, मैं छोटी हो रही हूँ। अब्बा हुजूर, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अम्मी हुजूर, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अम्मी हुजूर, बेटी तैयबा, क्या हुआ है तुम्हें? शहजादे तैयबा, होश में आओ, क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ है बेटी, क्यों चीख रही थी तुम? अम्मी हुजूर, मैंने बहुत ही भयानक ख्वाब देखा था। अक्सर भयानक बुरे ख्वाबों की ताबीरें उल्टी होती हैं। जो कुछ इंसान देखता है वैसा नहीं होता, बल्कि वो भयानक ख्वाब खुशी का पैगाम लाते हैं। बेटी, हम सब के लिए खुशी का पैगाम ये है कि शहजादा तालिब को तीसरे मोती का पता मालूम हो चुका है। हाँ। पता मालूम हो गया? कैसे मालूम हो गया? बताओ, जल्दी बताओ, कैसे मालूम हो गया तीसरे मोती का पता? बेटी, पीरे कामिल फकीर बादशाह ने तालिब को बता दिया कि तीसरा मोती मलिका हमीरा के पास ही है। मगर अब तो सिर्फ दो दिन ही रह गए। इंशाअल्लाह ताला तालिब दो दिन से पहले ही कामयाब हो जाएगा। और इस वक्त हमारा शहजादा तालिब मलका हमीरा के महल की ओर रवाना हो चुका है। हाँ बेटी। ताज्जुब है, मलिका हमीरा के महल में कोई भी पहरेदार, जिन, भूत, पलीद कोई भी नहीं है। मलिका हमीरा आखिर गई कहां? या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि मुझने एक वक्त को बचा।
तुम्हारी ये हालत किसने की नेकबख्त? ज़ालिम मलिका अमीरा ने। वो अपने उल्लू बदबख्त के साथ अपने तिलिस्मी महल में चली गई। तिलिस्मी महल? लेकिन मैं तो उसी तिलिस्मी महल में जाना चाहता हूं नेकबख्त, और जालिम हमीरा से तैयबा का तीसरा मोती छीनकर तैयबा की जान बचाना चाहता हूं। अब सिर्फ दो दिन रह गए हैं, तुम मेरी मदद करो नेकबख्त, मेरी मदद करो। अल्लाह मदद करेगा, इंशाल्लाह हम वहां पहुंच जाएंगे। मैं तुम्हें वहां जरूर ले चलूंगा। चलो चलो। नजर ही नहीं आ रहा नेकबख्त। ये सब नजर का धोखा है शहजादा तालिब, यहां जरूर कोई ना कोई होगा। देखो शहजादा तालिब, तू और यहां इस खुफिया तिलस्मी महल में, तू इंसान है या जिन? मैं हैरान हूं कि तू जमीन से इतनी दूर बादलों में कैसे पहुंच गया। जिसका इरादा पक्का होता है और अल्लाह पर पूरा भरोसा होता है, उसके लिए दूर क्या और पास क्या, वो जमीन से चलता है, हिम्मत से उड़ता है और बिजलियों से अपना रास्ता पूछता है और बादलों में अपनी मंजिल तलाश करता है। बता कहां है मोहब्बत और इंसानियत के दुश्मन जहरीली नागिन जालिम हमीरा? बता। सांप के मुंह में उंगली डालकर जहर का ठिकाना पूछ रहा है तू? चीमा नाम है मेरा, दस लूट जिंदगी फना, इन बादलों में मौत का गरजता हुआ बादल हूं मैं। बादलों के गरजने से अल्लाह के शेर नहीं डरते। अल्लाह का नाम न ले यहां, खामोश हो जा, वरना मलिका हमीरा की ताकत और जुल्म की चक्की में पिस जाएगा तू। तूने सिर्फ जुल्म की चक्की देखी है, अल्लाह की चक्की नहीं देखी। अल्लाह के इंसाफ की चक्की चलती बहुत आहिस्ता है लेकिन पीसती बहुत बारीक है। पता कहां है जालिम हमीरा? ले चल मुझे उसके पास। जरूर ले जाऊंगा, क्यों नहीं ले जाऊंगा, लेकिन खुशी की बात यह है कि तू जिंदा नहीं जाएगा, तेरी लाश जाएगी। नमकराम नेक बख्त होते देखा नादान शहजादे, हैरान हो गई ना तेरी अक्ति। जहां मेरा काला खून गिरेगा वहां दूसरे खुखवार चीमा पैदा हो जाएंगे। मैं तिलस्मी कायनात की हुक्मरा मलिका हमीरा जादूगरनी का बनाया हुआ काले जादू का वो बेमिसाल कारनामा हूं कि जब तक तलवार सुलेमानी से मेरा सर नहीं कट जाएगा तब तक मुझे मौत नहीं आएगी। और ये सर मैं कभी कटने नहीं दूंगा। हाँ
अब ये तलवारें सुलेमानी रख दे और चुपचाप हमारे मुंह का निवाला बन जा, वरना वरना हम सब कुख्वार चीमा मिलकर तुझे मौत का शिकार बना देंगे। मर्दूद, मौत का शिकार तू खुद बनेगा। तेरी तकदीर ने ही मुझे यहां तुम सबकी मौत बनकर बुलाया है। आओ शैतानी कुत्तों, आओ शैतानी कुत्तों। मैं सिपे सालार चीमा हूं, मेरे खूंखार गुस्से के भौचाल को ललकार रहा है तू। अब देख देख, आज तेरे जिस्म की इतनी बोटियां करूंगा कि तिलस्मी कायनात का कोई भी कुत्ता भूखा नहीं रहेगा। ए, जाओ मार डालो से। देखा शैतानी कनखजूरे, तेरे कनखजूरों को मार डाला मैंने, अब तेरी बारी है। दो चार टांग टूट जाने से कनखजूरा लंगड़ा नहीं हो जाता। अब देख देख मैं तेरे टुकड़े कैसे करता हूं। क्या क्या तूने सालम, मेरा सर काट डाला। अब मैं थोड़ी देर में बच जाऊंगा और फिर कभी जिंदा नहीं होगा। जा और जाकर मलिका हमीरा को आगाह कर कि तीसरा मोती लेने के लिए शहजादा तालिब तेरी मौत का परवाना लेकर आया है। जा मलिका हमीरा, मलिका हमीरा, मलिका हमीरा। मलिका हमीरा, 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 मलिका हमीरा। तालिब की इतनी हिम्मत कि वो मेरे हुकार सिपह सालार सरदार चीमा का सर काट कर मुझे तोहफे में भेजे। ये तेरी बहुत बड़ी बेइज्जती है मलिका हमीरा, मेरे भाई चीमा पर ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। कोई जुल्म नहीं, जुल्म करने वालों को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि जुल्म का बदला जुल्म से ही मिलेगा। और तालिब लगता है उसने मुसीबतों से दोस्ती और मौत से याराना कर लिया है, जो हर बार मौत उसको गले लगाकर चली जाती है। मगर इस बार नहीं जाएगी, मौत तालिब के गले का हार बन जाएगी। मैं तालिब और उसके साये तक को कत्ल कर दूंगा और उसकी लाश ही लेकर आऊंगा। खाली हाथ मत आना, जा जल्दी जा। अब किसी को जल्दी भेजने की जरूरत नहीं मलिका हमीरा, मैं खुद जल्दी आ गया हूं। तालिब, शहजादा तालिब। खबरदार, खबरदार, जो तुम दोनों ने कोई जादुई हरकत की तो मेरी तलवार सुलेमानी की हरकत से तुम्हारा काला जादू बेकार हो जाएगा और तुम दोनों जलकर राख हो जाओगे। इस वक्त तेरी और मेरी जिंदगी, जिंदगी और मौत के बीच खड़ी है तालिब। तेरा एक दाव तुझे कामयाब कर सकता है, मेरा एक दाव मुझे कामयाब कर सकता है। दोनों की मौत और जिंदगी किस्मत के फैसले का इंतजार कर रही है। ये इंतजार अभी खत्म हो सकता है मलिका हमीरा, तू मुझे तीसरा मोती दे दे। आज महीने का तीसवां आखिरी दिन है और ये आखिरी दिन शुरू हो चुका है। तू मुझे तीसरा मोती दे दे, मैं चला जाऊंगा। नहीं दूंगी और तुझे जाने भी नहीं दूंगी। और फिर महीने का आखिरी दिन यूं ही गुजर जाएगा, मैं तुझे तीसरा मोती नहीं दूंगी। और फिर तेरी प्यारी प्यारी महबूबा तैयबा सूरज डूबते ही खत्म हो जाएगी। कातिल मलिका, प्यार की दुश्मन हमीरा, तू ये क्यों भूल गई कि एक दिन तुझे भी मरना है। मैं मौत से नहीं डरती, इसीलिए मैं मौत को कभी याद नहीं रखती। खुदा और मौत को जो याद नहीं रखता उसका अंजाम बहुत दर्दनाक होता है।
अभी तो तू अपना दर्दनाक अंजाम देख तालिब। मलिका हमीरा।